We believe that the only human value worth preserving is wisdom, and the only evil in the world is stupidity. Multitudes of fools are the bane of mankind, and wisdom is rarer than the stratosphere. There's a giant hole in the common pool of human intelligence at the moment, and this hole is observably bigger than the one in the ozone layer. The rising heat of global stupidity is driving our nascent species into uncontrollable peals of laughter, and as you know, nothing worthwhile can be achieved while deliriously laughing your ass off. We request everyone to zip up the DQ, dumbness quotient, and up their lower than recordable percentile of IQ. Just a wee bit, guys, and we can all go home safe. Hello and welcome to Jai Hind. मैं हूं सुमित राघवन और आज मुझे पता चल गया है कि कांग्रेस सरकार को आउट ऑफ इंडिया की चीजों का मोह बहुत है. लिसन टू दिस. कुछ दिनों पहले श्रीलंका की शिप एमवी विजडम, जिसे कोलंबो से टग करके इंडिया के अलंग स्क्रैप यार्ड में ले जा रहे थे और टग बीच में टूट जाने की वजह से श्रीलंकन शिप को टग करने वालों ने बीच समुंदर में उसे ऐसी छोड़ा. जैसे छोटे बच्चे खेलने जाते हैं और जब घर वापस आते हैं तो अपने टॉयज, चड्डी, बनियान सब कुछ जहां मन करे वहां पर पटक देते हैं, और अपनी चीज तो घर में तो होती है ना, तो वैसी शिप अपने इंडियन समुंदर में ही है ना, तो टेंशन क्या को लेने. जैसे अक्सर होता है हमारे यहाँ, बात यहीं खत्म नहीं हुई. ये शिप बहते बहते वर्ली सीलिंग से टकराने वाली थी लेकिन नहीं टकराई. एज यू नो, हमारे सिस्टम्स भले ही थर्ड क्लास हैं पर हमारा नसीब एकदम फर्स्ट क्लास है. सो सीलिंग से टकराए बिना ये कटी पतंग शिप वापस बहते हुए जुहू बीच पर आकर फिलहाल रुकी हुई है. शायद शिप जावेद अख्तर से शायरी सुनना चाहती है. अब सरकार का कहना है कि 4-5 दिन में शिप के ओनर इस शिप को ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये शिप इतनी बड़ी है कि इस शिप को यहां से खींचकर वापस ले जाना ऑलमोस्ट impossible. और अगर शिप को जुहू बीच से नहीं निकाल पाए तो शिप को वही तोड़ना पड़ेगा, और यह डिसीजन लेने में पृथ्वीराज चौहान को कम से कम 30 दिन और लगेंगे. और जब सरकार 30 दिन कहती है तो 3 साल पकड़ के जाए, मतलब अगले 3 साल तक यह शिप कहीं नहीं जाने. अब जब ये बिन बुलाए मेहमान हमारे जुहू बीच पर है ही, तो इसका सदुपयोग भी तो होना चाहिए. जैसे कि बुढ़ा होगा तेरा बाप का प्रीमियर इसी शिप पर करना चाहिए. डायरेक्ट कनेक्शन है. ये शिप भी बुढ़ी हो चुकी है और अब तक जाने का नाम नहीं ले रही. फास्टिंग क्लब खोल सकते हैं. I mean, जिसे भी जितनी देर तक फास्टिंग करनी हो तो इस शिप पर जाकर करे. बेवजह दिल्ली तक जाने की क्या जरूरत है. फास्ट करते करते कोई लुढ़क जाए तो डायरेक्ट दरिया में फेंक दो. ओबामा ओसामा स्टाइल. IPL 5 और 6 भी इसी शिप पर हो सकता है. इस पर IPL की बाउंड्री जितनी छोटी रखी थी उससे बड़ा ग्राउंड तो इस शिप पर मिल जाएगा. शिप पर जो बिल्डिंग है वहां चद्दर बदली होटल चालू कर दो. चद्दर बदली होटल उसे कहते हैं जो लोग घंटों के हिसाब से लेते हैं. बीच पर गर्लफ्रेंड को लेकर फोर प्ले बीच पर कर लो और बाकी का काम करने के लिए शिप पर चद्दर बदलने चले जाओ. पृथ्वी थिएटर में जिन लोगों को परफॉर्मेंस के लिए डेट नहीं मिलती वो लोग इसी शिप पर जाकर अपने वाहियात प्लेस परफॉर्म कर सकते हैं. आई थिंक पृथ्वी राज चौहान अपने नाम पे यहाँ पृथ्वी 2 खोल ही दे. वैसे भी पृथ्वी टाइप प्लेस के लिए एक गाला ही तो चाहिए, और क्या चाहिए. दिग्विजय सिंह को सरकारी खर्चे पर इस शिप पर शिफ्ट कर दो. ही इज एज अनवॉन्टेड एज द शिप. और उसी तरह कांग्रेस के गले में अटके हुए हैं जैसे ये शिप जुहू बीच पर. नितिन गडकरी जी को सैर के लिए इसी शिप पर लेकर जाओ. हो सकता है शिप जल्दी टूट जाए. नहीं टूटा तो आकाश अंबानी को भी साथ भेज दो. और अगर फिर भी ना टूटे तो रानी मुखर्जी को टॉपिंग की तरह ऐड कर दो. आई एम श्योर द शिप विल श्योरली टॉप.
और फिर भी उस शिप पर जगह बच जाए तो एकता कपूर को बोलो वो वहां पर 3 साल के लिए एक स्टूडियो विद 3 मंदिर बना दिया। नहीं आज सिर्फ शिपिंग की बातें ही नहीं करेंगे, आगे और भी कई चुतियापे हैं, सो प्लीज डोंट गो अवे। वैसे हैव यू नोटिस जय हिंद हैज फ्री शिपिंग। आगे बढ़ने से पहले हियर कम्स आवर व्यूअर्स कंट्रीब्यूशन टू जय हिंद। एज यूजुअल सुरखराज फ्रॉम द ग्रेट स्टेट ऑफ पंजाब लिखते हैं, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो इन दिनों केवल ब्यूरो रह गया। हरिंदर फ्रॉम गाजियाबाद लिखते हैं, सुना है पिछले दिनों पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के फोटो कॉपिंग एक्सपेंसेस कम हुए। उन्हें लगभग हर 3 महीने में एक डॉक्यूमेंट की लाखों कॉपीज भेजनी पड़ती थी कि ओसामा पाकिस्तान में नहीं है। और अब सुरखराज फिर से, आई थिंक दिस वन इज फॉर द इंग्लिश प्रीमियर लीग फैंस। कुछ दिनों बाद एक की आने वाली है लोगों के ड्रेड लॉक्स खोलने के लिए। नेक्स्ट अप, शिशिर फ्रॉम धौलाकुआ हैज सेंट दिस वन। दिल्ली में कुछ रेस्टोरेंट्स आजकल बिल बहुत जल्दी लाते हैं, कुछ जगह तो पहले बिल देते हैं फिर कहते हैं कि इसके अनुसार ऑर्डर कीजिए। यह रहा शिशिर का कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर 2। कांग्रेस पार्टी अगले महीने चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज कर रही है, एक्चुअली आप इसे चिंता शिविर भी कह सकते हैं। आई थिंक आवर ऑडियंस इज रियली स्मार्ट एंड किक-ऐस, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्फ प्लीज। वी लव यू, प्लीज जस्ट फॉरवर्ड द एपिसोड्स टू मोर पीपल। यस 100 ईच विल बी नाइस। लंदन के एक रिसर्च में कहा गया है कि अगर वजन घटाना है तो गधी का दूध पियो, ये दूध वजन घटाने के साथ साथ दिल की बीमारियों को भी भगाता है। लगता है ये लंदन के रिसर्चर्स यही दूध पी पी कर बड़े हुए, तभी साले ऐसी घटिया रिसर्च करते रहते हैं। कल को कहेंगे हाथी की सूंड पर बैठने से कमर का दर्द सही हो जाता है, या कुत्तों को चाटने से जबान का टेस्ट अच्छा हो जाता है। एक और रिसर्च में कहा गया है कि कंप्यूटर गेम्स खेलने वाले बच्चों को मोटापा घटाना आसान होता है। मतलब पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे, गेम्स खेलते रहेंगे, खाना भूल जाएंगे तो आसानी होगा ना। अरे ये तो कोई भी बिना रिसर्च के बता सकता है यार। रिसर्चर्स ने कहा है कि ऐसे बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स में पॉजिटिव चेंजेस देखे गए हैं। अब देखिए, पॉजिटिव मतलब अच्छे चेंजेस, अच्छे मतलब हेल्दी चेंजेस, अब हेल्दी का मतलब मोटापा ही हुआ ना। अक्षय कुमार के खतरों के खिलाड़ी के एक टास्क में ऑस्ट्रिच के अंडे उठाने थे, लेकिन सभी कंटेस्टेंट्स बड़े बड़े ऑस्ट्रिच को देख कर डर गए थे। अक्षय कंटेस्टेंट्स की हिम्मत बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रिच के बीच गए और ऑस्ट्रिच से दोस्ती की। अरे कैसे तुम भाई, कौन सी बड़ी बात है यार, अक्षय खुद भी ऑस्ट्रिच जैसी है, एकदम हैंडसम। देखिए मिलते वक्त ऑस्ट्रिच ने अक्षय से क्या कहा, देखिए। चांद पर धरती से भी ज्यादा पानी हो सकता है, यह पता चला है 1972 के एक चांद से लाए हुए पत्थर से। मतलब अब पता चला है 40 साल बाद कितने फास्ट हैं हमारे साइंटिस्ट। और बीएमसी ने कहा है कि आगे से पानी मांगने का नहीं, पत्थर उठाओ और चाटो। नोएडा के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में चपरासी के जॉब इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों से कुछ सवाल किए गए और उनके जवाब कुछ इस तरह थे। मैं सच कह रहा हूं, ये रियल जवाब थे, ये जोक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, शीला दीक्षित दिल्ली में किस पद पर हैं? आंसर गवर्नर। नंबर 2, दिल्ली का सीएम कौन है? आंसर मनमोहन सिंह। नंबर 3, प्रतिभा पाटिल किस पद पर है? आंसर प्राइम मिनिस्टर। नंबर 4, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? आंसर ज्ञानी जेल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 5, गढ़गंगा के पास कौन सी नदी बहती है? आंसर
नदी तो दिल्ली में है, यमुना। और ये सब जवाब देने वालों में पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और फिफ्थ क्लास तक के लोग थे। हम भी सोच रहे हैं कि हम अपने राइटर्स की जगह इन लोगों से स्क्रिप्ट लिखवा लिया करें। ये सारे लोग गलत जगह इंटरव्यू के लिए चले गए, इनकी सही कदर जय हिंद ही कर सकता है। हमारे अपने पैनल ने कुछ गेस्ट को बुलाया और उनसे सवाल पूछे, ये सोचकर कि चपरासियों की जीके अच्छी नहीं होती पर इन लोगों की तो होगी। पहला सवाल हम दिग्विजय जी से करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? राहुल बाबा। इंटरेस्टिंग। दूसरा सवाल अमित जी से, भारत में कितनी नदियां हैं? भाई अभी तो गुजरात की नदियां याद कर रहा हूँ, वहाँ का टूरिज्म प्रमोशन जो मेरे से मैं आई, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जानूंगा, मेरी जमीन है वहाँ और मैं किसान हूँ और मेरा बेटा भी है, मैंने 4 बैल खरीदे वहाँ पर, मेरा एक ट्रैक्टर है। सही जगह। तीसरा सवाल उमा भारती से, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? आजकल तो अन्ना ही राजघाट पर हैं, उनसे शायद कुछ पता चले, एक बार वो मुझे बता दे तो मैं आके तुम्हें जरूर बता दूंगी। 5 साल के बाद भी वही घिसे पिटे जवाब। कोई नहीं, अमित जी ये बताइए कि शीला बेहतर है या मुन्नी? मुन्नी, क्योंकि वो किसी भी झंडू चीज का एडवर्टाइजमेंट मेरी तरह करती है, यू नो हाउ मच आई लव एड्स। अच्छा डिगी जी, काला धन क्या है? घंटा। काला धन कुछ नहीं होता है, सिर्फ हरा धन, मतलब हरे नोट होते हैं और उस पर शायद गांधी जी जैसे किसी आदमी का फोटो होता है। उमा जी, हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट एक फीमेल है, उनका नाम पता है आपको? हाँ, मैं 5 साल से बीजेपी से बाहर रही, पर मुझे पता है सोनिया गांधी प्रेसिडेंट है, एक बार वो पद छोड़ दे तो देखना वो कुर्सी मेरी ही होगी। हम पार्टी प्रेसिडेंट की नहीं, इंडियन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतने जवाब दिए वो क्या कम है, हम फिर किसी 4th ग्रेड जॉब इंटरव्यू के लिए आप लोगों को जरूर बुलाएंगे। धन्यवाद, प्लीज दफा हो जाओ। महाराष्ट्र सरकार ने शराब पीने की उम्र 21 से 25 साल करने का फैसला किया है और अमिताभ बच्चन ने इसका विरोध किया। अमित जी को लगा होगा सलाह कुछ गिने चुने यंग लोग ही मेरी मधुशाला सुनने आते हैं, इस नियम के बाद सिर्फ पक्के बेवड़े ही बचेंगे तो मुझे वाह भाई कौन देगा। लेट मी वरी अबाउट दिस ड्यूरिंग द ब्रेक, टिल देन बजाओ यार। Over to your favorite topic in Jai Hind, Savita Bhabhi. Savita Bhabhi, ki sexy solution. सविता, आज तुम इस रूप में है ना? अच्छा सुमित, पता है ऑल मेन आर गोइंग क्रेजी। एक मिनट सविता, ये तो मैंने देखा ही नहीं, तुम्हारे बॉडी पे इतने सारे पियर्सिंग्स, ये कानों में बाली, ये नाक को भी नहीं छोड़ा, क्या हो क्या रहा है सेक्सी बाली के? Well, तुम कुछ भूल रहे हो, ध्यान से देखो। आज तुमने इतना कुछ दिखा दिया कि पता नहीं नजर कहाँ कहाँ घुमाऊं। वैसे तुम्हारे बॉडी पर इतने सारे चीज़। हाँ हाँ, सोचो मैंने ये शॉर्ट स्कर्ट और ये प्योर से क्यों करवाई, सोचने वाली बात। बिल ऐसा क्यों किया सविते, लोगों की जान लोगी? नहीं सुनी, आज का सेक्सी सॉल्यूशन है हाउ टू गेट अ गाय इन अ पार्टी। हाँ ये चीज तुमसे अच्छा कौन जान सकता है। सो गो ऑन सविता, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ और हमारे ये तपे हुए व्यूअर्स भी। टिप
ऑफ द आइसबर्ग। लड़की को डिस्को के सोफा पर बैठ जाना चाहिए जैसे मैं बैठी, बिल्कुल ऐसे बैठे बिठाए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और हाँ, अपने साथ लड़की को सनग्लासेस कैरी करनी चाहिए और जैसे मैंने कैरी किया है, हाँ, और इसको पहन लेना चाहिए बिल्कुल ऐसे, और फिर पहनने के बाद थोड़ा इधर उधर देखना चाहिए, आगे पीछे लेफ्ट राइट, एंड फिर धीरे से ग्लास को नीचे करना चाहिए। और जिस लड़के को पसंद करती हो उसको बिल्कुल ऐसे देखो। लेकिन एक मिनट, डिस्को में सनग्लासेस, वहां तो अंधेरा होता है। सुनिए, मैं हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस ही देती हूँ, एंड इट ऑलवेज वर्क्स। वो गाना नहीं सुना है क्या तुमने? तनु काला चश्मा जचदा है, तनु काला चश्मा जचदा है, ओए की करिए तनु काला चश्मा। और हाँ, एक और गाना है वो सुना नहीं? गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। क्या बात है, बस मुझे इतना ही आता है। जो भी बंदा लड़की को इन काले काले चश्मे में देखेगा उसके मन में भी यही गाना बजने लगेगा, याद रखना। And he will become helpless. खास करके अगर बंदा दिल्ली का, पंजाब का या फिर हरियाणा का कोई जट हो। और अगर काला चश्मा ना हो तो? बहुत सारी महिला डिस्को में काला चश्मा नहीं लेकर जाती सविता, उनका क्या? जो लोग पहली बार डिस्को जा रहे हो उनको ध्यान देना चाहिए अपने कपड़ों पर। मेरे जैसे कपड़े पहन के जाओगे तो यू जस्ट डबल योर चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ हॉट मैन। फिर सोफे पर आराम से बैठ जाओ बिल्कुल मेरी तरह, और सोफे पर बैठकर अपने पैरों के ऊपर पैर रखो और सैंडल को ऐसे लटकाओ, ऐसे लटकाओ, इस तरीके से पॉइंट करो उस लड़के की तरफ जो तुम्हें पसंद हो। बार बार देखो क्योंकि देखना जरूरी होता है। इतना करते ही देखना कि एक के बाद लड़कों की लाइन लग जाएगी, या फिर हो सकता है कि सारे लड़के एक साथ तुम्हारे पास आ जाएं और तुमसे कहें, विल यू डांस विद मी? और बोलो सविता, और बोलो, आई एम श्योर गर्ल्स आर लर्निंग। और हाँ, एक खास बात, ध्यान रहे लिपस्टिक शुड ऑलवेज बी डार्क एंड रेड ताकि होठ नशीले लगे। और फिर जब तुम खड़ी हो जाओ तो बालों से खेलो, थोड़ी मुंडी टेढ़ी कर दो, बस इतना ही करना काफी है, लड़के पागल हो जाएंगे पागल। और फिर भी काम ना बने तो मुझे फोन करो, मैं हूं ना इस नंबर पर 1-800-1800 SAVITA। Very good। Toll free number। क्या बात करते सुमित, आई ऑलवेज हैव अ गुड टाइम। Thank you, Savita, for being so sexy and giving this wonderful extroverted solution for all the sadharan nadan bharatiya mahilaen jinke ads aajkal Facebook par aate hain। Ummeed hai wo disco jaakar apne sapno ke rajkumar se jald hi milenge। Till then, tata, bye bye, Savita। Bye, Sumit। Ab वैसे अगर तुम किसी नादान लड़की को जानते हो जिसे मैं कुछ सिखा सकूं तो उसे मेरा नंबर जरूर दे देना, भूलना। बिल्कुल सविता, जरूर। Hi, Savita. Well, were you ready for Savita's new look? Well, I wasn't. Hum wapas aayenge isi topic par, ready or not in Boothnath, right after this break. रेडी
रिलीज हुई। फिल्म देखने के बाद मुझे समझ में आया ड्रंकन सलमान खान द्वारा कुचले जाने पर कैसा फील होता है। But why take my word? Here is what people are saying about Reddy. Please check it out. बहन सलमान खान, मैं अपरिचित हूँ। तेरे बहुत कंप्लेंट आए हैं। आज रात तेरे को गाड़ी से उड़ाऊंगा मैं। रेडी चुतिया फिल्म है। बहन समझते क्या हो? सलमान खान को गू में डाल के दे दोगे तो हम केक समझ के खा जाएंगे। अरे फिल्म बनाओ फिल्म मादर। मेरा लड़का 12 साल का है, उसने जिंदगी भर एक भी शब्द नहीं बोला था। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये लड़का गूंगा है। एक दिन मैंने उसको रेडी फिल्म दिखाई। फिल्म देखने 15 मिनट के बाद मेरे बेटे के मुंह से एक आवाज़ निकली, क्या चूतिया आपा फिल्म है। रेडी फिल्म ने मेरे बेटे को आवाज़ दे दी। अनिस बाजी, मैं लाइफ टाइम तुम्हें रेड लाइट तोड़ने दूंगा। मूव टट्टी और पाद किसी भी लैंग्वेज में फनी नहीं है। रेडी इज अ फक अप टेस्टलेस मूवी। आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर दिस। रेडी इज सो फकिंग क्रैपी। इसे डायपर में लपेट कर दिखाना चाहिए। फक, आई एम टॉकिंग लाइक रेडी। शिट, रेडी फिल्म भेंट। क्या कहूँ इस मादर फिल्म के बारे में। मेरे जिंदगी के 8 दिन बर्बाद किए इस चूतिया फिल्म ने। पहले 2 घंटे वो सड़ी हुई फिल्म थिएटर में देखने में, और बाकी 7 दिन 22 घंटे मेरे दोस्त दुश्मन और रिश्तेदारों को इस फिल्म से दूर रहने की वार्निंग देने में। एक और चीज़ है इस चूतिया फिल्म में। इंटरवल में जाने से पहले सलमान खान एक घास के सूखे ढेर पे मूतता है, सूसू करता है। इसमें एक सबटेक्स्ट है। आई थिंक सलमान खान ये कहना चाहते हैं कि माँ, एक तो मैंने तुम्हारा पैसा और टाइम बर्बाद किया है, अब मैं तुम्हारी फूटी किस्मत पे मूत रहा हूँ, समझे? अनिस वाजपेयी जी, आप बहुत ग्रेट हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पिछले कितने दिनों से ब्रेकअप करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था। अचानक आपकी रेडी फिल्म आई, मैं उसे दिखाने ले गया, और पता है रेडी फिल्म देखने के 15 मिनट के भीतर ही उसने सबके सामने खड़े होकर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ओह व्हाट एन आइडिया सर जी, टू सी ग्रेट टू, आई लव यू सर जी। ओह डिंकी चिंडा डिंकी डिंडा, आई लव यू। अबे चूतियो, सलमान खान के बारे में बुरा बोलना बंद करो, वरना सर रात को दारू पी के गाड़ी तुम्हारे ऊपर ही चला लूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि रेड्डी ब्रदर से बुरा भी कोई रेडी होगा, पर अच्छी बात यह है कि नाउ आई एम रेडी फॉर एनीथिंग, नथिंग कैन बी वर्स। बट आई नो लाइफ कभी इतनी बेहतर हो ही नहीं सकती। सी यू नेक्स्ट टाइम, यू बेटर बी रेडी फॉर मोर क्रैप दैट लाइफ विल थ्रो एट यू। टिल देन, जय हिंद। टाटा टाटा। Yeah.